मेरा नाम वरुण भगत और मैं सोशल एक्टिविस्ट। इस समय जनता के ऊपर काफी सारे अत्याचार हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में खास करके उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, रियासी डिस्ट्रिक्ट में जीना जो है वो गरीब आदमी और शरीफ आदमी का दुभर हो गया है। एक परिवार को उनकी जमीन हड़प करने के लिए कुछ हिस्ट्री शीटर औरत जिसका नाम सुषमा देवी है, इसके साथ पुलिस के कुछ करप्ट अफसर मिले हुए हैं। उन्होंने गरीब परिवार, शरीफ परिवार के बच्चों के ऊपर झूठी एफआईआर करके 3 केस लड़ाई के बनाए और चौथा केस जो है वो रेप का बना के 2 सालों से गरीब और शरीफ बच्चे वो अंदर हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? अगर शुरू से लेकर हम आईजी दफ्तर से लेकर डीआईजी दफ्तर से लेकर एसपी दफ्तर के आगे, बिजनेस दफ्तर के आगे, गवर्नर, एडवाइजर टू गवर्नर, डिप काम ऑफिस, हर जगह हम मांग करते हैं कि हमारी सुनवाई हो, लेकिन इस केसों की कोई भी इंक्वायरी नहीं कर रहा। ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आरटीआई के माध्यम से मैं पुलिस कटरा को पूछता हूं, एसएसपी को कि सर ये औरत रामनगर से कटरा में कब आई, तो एसपी का जवाब है कि 2007 में जब रामनगर वाले अपने पति से सेपरेट हो गई थी तो इसने कटरा में जाके शादी की और इसके पति का नाम करतार चंद है, कृष्णलाल है, जो कटरा हंसाली में रहता है। इसके पति का नाम कृष्णलाल है जिसकी प्रॉपर्टी थी। फिर यही सवाल मैं एसएसपी उधमपुर से पूछता हूं कि एसएसपी साहब बताइए कि जे औरत जिसका फोटो लगा है, हिस्ट्री शीटर औरत जिसका फोटो लगा है रामनगर में, जे सुषमा देवी की, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो एसएसपी उधमपुर बताते हैं कि 2010 में इसके ऊपर 420 का केस चला, जे 2010 में 420 का केस चला। अगर 2010 में 420 का केस चला रामनगर में, तो 2007 में इसका पति कृष्णलाल कैसे हो गया? जे पुलिस के 2 जवाब क्यों है? क्यों हमारे लोगों का शोषण किया जा रहा है? क्यों हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है? क्या इसके लिए आप टैक्स लेते हो? क्या इसके लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है? क्या, मैं ये बात बोलना नहीं चाहता लेकिन आपने मजबूर कर दिया, क्योंकि 2 सालों से हम खून के आंसू रो रहे हैं। हमारे निर्दोष बच्चे, हमारी विधवाएं माएं वो घर में रो रही हैं, उनके आगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अनाथ हो गए हैं। क्या इंसाफ है हमारे उधमपुर में? क्या इंसाफ हमारे जम्मू कश्मीर में? और थोड़ी शर्म करो, आप लोग भारत माता की कसम खा के इतनी बड़ी बड़ी चेयरों पे बैठते हो, फिर भारत माता के बच्चों का शोषण करते हो, थोड़ी शर्म करो। राशन कार्ड के बारे में पूछा गया कि इस 16 में इसके पति के साथ, करतार चंद के साथ, सुषमा देवी, निशा देवी, शिमला देवी, ये सारे बच्चे थे 2016 में। और 2013 में आरटीआई का जवाब कि 13 में ये बंदा अकेला हो गया, डुप्लीकेट राशन कार्ड के जवाब अभी आरटीआई के माध्यम से दिए जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? कौन जनता को इंसाफ दिलाएगा? अगर नहीं चलता है तो छोड़ दीजिए। मैंने कोई चाइना के प्रधानमंत्री के पास जाना है कि हमें इंसाफ दो? आपकी ड्यूटी बनती है, करिए, नहीं तो गोली मार दीजिए हम सबको। जय हिंद, जय भारत।